हेलो एवरीवन आज हम बनाएंगे सिंगाड़े के आटे की पूरी एकदम सॉफ्ट और फुली फुली हाँ जी वही सिंगाड़े का आटा जो हम व्रत में खाते हैं तो यहाँ पर मैंने सिंगाड़े का आटा ले लिया है आप चाहें तो इसकी जगह कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं और सेम प्रोसेस से इन पूरी को बना सकते हैं तो यहाँ मैंने बनी हुई आलू की सब्जी डाल दी है साथ में थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि सब्जी में नमक और मिर्च पहले से ही ऐड है तो आप चाहें तो उबले हुए इसमें आलू डालकर नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं तो आलू की सब्जी मैंने कैसे बनाई थी तो बता देती हूँ आलू की सब्जी के लिए मैंने लिया था थोड़ा सा देसी घी उसमें थोड़ा सा डाला था जीरा अदरक हरी मिर्च टोमेटो प्यूरी और इसे पकने दिया था फिर मैंने डाल दिया था सेंधा नमक लाल मिर्च पाउडर काली मिर्च पाउडर और साथ में डाल दिए थे उबले हुए आलू मैश किए हुए और साथ में मैंने गरम पानी करके इसके अंदर ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा डाल दिया था तो आलू की सब्जी आपकी तैयार हो जाएगी तो आटे को हम इस तरह से गूंद लेते हैं तो ये देखिए आटा हमारा गूंथ चुका है तो अब हम थोड़ा सा पेड़ा लेंगे पूरी के साइज़ का पेड़ा लेंगे और हाथों की मदद से थोड़ा सा हाथों को मैंने यहाँ पर गीला कर लिया है और हाथों की मदद से इसे इस तरह से प्रेस करें और इनकी छोटी छोटी पूड़ियाँ आप बना लें तो तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था थोड़ा सा आटा डालकर देख लें कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं तो तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है अब हम इन पूड़ियों को इसके अंदर डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी पूड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए आप चाहें तो कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ भी बना सकते हैं तो इस तरह से ये देखिए कितनी फूल चुकी है ये पूरी और खाने में भी बड़ी मज़ेदार बनती है आप जरूर ट्राई कीजिएगा तो मैंने यहाँ पर पूरियों को बनाने के लिए किचन नैपकिन का प्रयोग किया है आप चाहें तो चकला बेलन से भी इन पूरी को बेल सकते हैं और साथ में ड्राई आप सिाड़े का ही आटा ले लीजिए उसकी हेल्प से आप पूरी को बेलें और सारी पूड़ियाँ देखिए कितने अच्छे से फूल रही हैं तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए इन पूरी को और आलू की सब्जी का मेथड मैंने आपको बता ही दिया है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय